नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। ट्रंप ने वाशिंगटन प्राइमरी भी जीता, नामांकन से एक कदम दूर। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वाशिंगटन राज्य का प्राइमरी चुनाव जीत लिया और अब वे राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन हासिल करने से महज एक कदम दूर हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव नवंबर में होगा, जिसमें ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन से होने की संभावना है। वाशिंगटन राज्य में ट्रंप को 76.2% मत मिले हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए उन्हें अब सिर्फ 10 से कम प्रतिनिधि यानी डेलीगेट्स चाहिए। 7 जून को कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, मोन्टाना और साउथ डकोटा में प्राइमरी होना है, जिसमें ट्रंप के आवश्यक डेलीगेट हासिल कर लेने की पूरी उम्मीद है। राष्ट्रगान का सम्मान न करने पर 2 पत्रकारों को बाहर निकाला। सेना की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहने के आरोप में 2 मीडियाकर्मियों को इवेंट से बाहर निकाल दिया गया। श्रीनगर से सटे रंगरेथ में लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर की घटना को लेकर सेना के उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। पासिंग आउट परेड से बाहर निकाले गए कश्मीर आधारित समाचार पत्र के संवाददाता ने सेना के कर्नल वर्ण पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और तिरंगे को देखकर जब सभी खड़े हुए तो वह डायरी पर स्टोरी के नोट्स लिख रहे थे। बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण के खिलाफ मामला दर्ज। अयोध्या स्थित विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कारसेवकपुरम में शौर्य प्रशिक्षण शिविर में एक संप्रदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में बजरंग दल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता ने बताया कि बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण शिविर में आतंकवादियों के भेष में एक धर्म विशेष के लोगों को दिखाया गया था, जबकि सैनिक के रूप में दूसरे संप्रदाय के युवकों को दिखाया गया। इससे धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिविर के बारे में राज्यपाल राम नाईक के बयान आने के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। नाईक ने कहा था कि आत्मरक्षा में शौर्य प्रशिक्षण गलत नहीं है। बिहार पुलिस ने पत्रकार हत्या मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस ने बुधवार को दावा किया कि उसने पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की गुत्थी सुलझा ली है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार ने कहा कि पुलिस ने रंजन की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7.65 बोर की देसी पिस्तौल और 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। एडीजी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रोहित कुमार, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, ईशु कुमार और सोनू कुमार गुप्ता के तौर पर हुई है। रोहित कुमार ने कबूल किया कि पत्रकार पर उसने ही गोली चलाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। चालीस छोटे तेल गैसों की वैश्विक नीलामी करेगी सरकार। करीब 4 साल के अंतराल के बाद भारत ने आसान अनुबंध की शर्तों के साथ 46 सीमांत तेल एवं गैस क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदा निकालने की पेशकश की है, जिनमें तेल के भंडार का पता पहले ही लगाया जा चुका है। इन परियोजनाओं का ठेका हासिल करने वाली कंपनियों को उत्पादन की कीमत और बाजार पर निर्णय करने की आजादी होगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि खोजे गए तेल गैस क्षेत्रों की नीलामी के दौर के लिए निविदाएं प्राप्त कराने की प्रारंभिक तिथि 15 जुलाई होगी और बोलियां 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में 62.5 करोड़ बैरल का तेल एवं गैस भंडार है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।